प्रौद्योगिकी स्थानांतरण एवं क्षमता निर्माण कैट योजना के अंतर्गत ग्रीन फाउंडेशन की ओर से आज जिले के 25 किसानों को 22 फरवरी से 24 फरवरी तक प्रशिक्षण के लिए रवाना किया गया। इस प्रशिक्षण के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि यह प्रगतिशील किसान प्रशिक्षण लेने के बाद जिले में कृषि में फायदा होगा और इनके प्रशिक्षण से अन्य किसानों को फायदा मिलेगा। इसका लाभ किसानों को मिलेगा जिससे कृषि में नवाचार होगा। कंपनी में खेती सहित अन्य प्रशिक्षण दिए जाएंगे। बाढ़ के सहयोग से और ग्रीन फाउंडेशन के सहयोग से जोबनेर के अंदर 22 से 24 फरवरी तक सीकर जिले के कुल 25 काश्तकार प्रगतिशील किसान हैं वहाँ ट्रेनिंग लेने आज जा रहे हैं। आज उनको हरियाणा दिखाते हैं यहाँ से और किट देके यहाँ से हमने रवाना किया है और उम्मीद करते हैं कि ये 25 किसान हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो नई नई टेक्निक्स है और क्या सुधार किया जा रहा है उसका बढ़िया से ये प्रशिक्षण लेंगे और फिर वापस लौट कर अपने खुद के खेतों में और अन्य किसानों को भी ये प्रेरित करेंगे जिससे कृषि में जो वर्तमान में दिक्कतें आ रही है जो पानी की समस्या है मौसम की समस्या है और अन्य जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं जो नई टेक्निक से जिनसे जिनमें विजय पाई गई है उनमें सुधार कर पाएंगे अपने खेतों में भी और अन्य काश्तकारों को भी इनसे फ़ायदा मिलेगा। कितने दिन का शिविर है? 3 दिन का है जो 22 से 24। सीकर माकपा ने आज सीकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए दोद तहसील की पुनर्गठन की मांग की है। माकपा के नेता रामरतन बगड़िया ने कहा कि दोद तहसील का पुनर्गठन होना चाहिए। हाल ही में तहसील कार्यालय को दोद कस्बे में स्थानांतरित किया गया है। तहसील कार्यालय दोद में जाने से करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के लोगों को परेशानी होगी। माकपा मांग करती है कि दोद पंचायत समिति का पुनर्गठन हो, सीकर ग्रामीण तहसील कार्यालय नया बनाया जाए जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। इसी के साथ उन्होंने उपखंड कार्यालय की भी मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और धोद की जनता के लंबे संघर्ष के बाद धोद में तहसील कार्यालय खुला है जिसका कम्युनिस्ट पार्टी स्वागत करती है। पर कोई भी कार्यालय जनता की सुविधा के लिए खोला जाता है। धोद तहसील की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 25 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें ऐसी है जिनको सीकर आकर के धोद जाना पड़ता है। इसलिए हमारी राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपील है कि धोद तहसील का पुनर्गठन कर इसी बजट में सीकर ग्रामीण तहसील का गठन किया जाए, अन्यथा इस इलाके के लोग सीकर ग्रामीण के गठन के लिए व्यापक आंदोलन का निर्माण करेंगे। इसलिए हमारी मांग कि दो तहसील के कार्यालय को यथावत रखते हुए सीकर में दो तहसील का पुनर्गठन करके नई तहसील और नए उपखंड कार्यालय का शीघ्र निर्माण किया जाए। आपका नाम? राम रतन बगड़िया, सदस्य क्षेत्रमंडल मार्की कम्युनिस्ट पार्टी। सीकर जिले के वकीलों ने आज कार्य स्थगन कर हाल ही में सीकर से धोद तहसील कार्यालय को धोद कस्बे में स्थानांतरित करने का विरोध जताया। वकील दामोदर शर्मा ने कहा कि 35 ग्राम पंचायत को इस कार्यालय के स्थानांतरण से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पहले यह कार्यालय सीकर अवस्थित था, इस वजह से सभी ग्राम पंचायतों के नजदीक था। तहसील कार्यालय को धोद में स्थानांतरित कर दिया गया जिससे काफी ग्राम पंचायतों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं वकीलों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर शेखावाटी को संभाग बनाए जाने की मांग की है। शेखावाटी को अगर संभाग बनाया जाएगा तो सीकर चूरू झुंझुनू जिलों के लोगों को काफी फायदा होगा। इसी बजट में शेखावाटी को संभाग बनाया जाना चाहिए। धोद में तहसील कार्यालय खुला है जो इस क्षेत्र की 35 ग्राम पंचायतों के हितों के प्रतिकूल है और जो न्याय का उद्देश्य है वो शीघ्र न्याय मिलना चाहिए, सस्ता न्याय मिलना चाहिए, सुलभ न्याय मिलना चाहिए। तो उन 35 ग्राम पंचायतों के निवासियों के लिए तो वहाँ जाना कष्टप्रद है। पहले उनको सीकर आना पड़ेगा, सीकर से बाद में धोद जाना पड़ेगा। सीकर अगर वो वाते हैं तो अपना और भी कोई कार्य कर सकते हैं जिला स्तर पर, और वहाँ अगर अधिकारी नहीं है तो निराश होकर वापस आ जाएंगे। इसके अलावा जो संभाग कार्यालय है उसके लिए भी हम आंदोलनरत हैं और हमें विश्वास है कि इस बजट सत्र में संभाग कार्यालय का आदेश हो जाएगा। इसलिए हम ये आपका नाम दामोदर प्रसाद माटोलिया है।
सीकर श्री कल्याण जी मंदिर में भगवान शिव के विवाह के उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में सावा पूजन पीला चावल किया गया और शिव धाम धर्माणा में जाकर बाबा भूतनाथ को उनके भूत गणों सहित शिव विवाह में पधारने का निमंत्रण दिया गया। श्री कल्याण जी मंदिर के महंत विष्णु प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर मोहित सिंह, विक्रम सिंह चौहान, अक्षय सैन, अरुण राठौड़, एडवोकेट अंकुर बहड़ सहित कई भक्तगण साथ थे। महंत विष्णु प्रसाद शर्मा ने बताया कि 28 फरवरी 2022 सोमवार को भगवान शंकर की महाआरती शाम 7 बजे की जाएगी तथा 1 मार्च 2022 मंगलवार को भगवान शंकर की महाआरती प्रातः 8:15 बजे तथा रुद्राभिषेक प्रातः 10 बजे, गणेश पूजन शाम 4 बजे, भगवान शंकर की भव्य शोभा यात्रा बारात स्वरूप 5:30 बजे बारात कल्याण मंदिर से प्रस्थान करके शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कल्याण धाम पहुंचेगी, जहां पर वरमाला का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रात्रि 8 बजे महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा रिंगस थाने की इमादत लेकर 4 आरोपियों को लड़की की खरीद फरोख्त व दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र पुलिस के सब इंस्पेक्टर टीएम ढाकुलकर ने बताया कि 26 दिसंबर 2021 को नागपुर महाराष्ट्र के 5 पावली थाने में युवती की बहन द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में अनुसंधान करते हुए 16 फरवरी को जयपुर निवासी दलाल गीता व बधाल निवासी अशोक पुत्र बद्री प्रसाद शर्मा को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी निशानदेही पर लड़की को खरीद कर उसे नकली शादी करने, दुष्कर्म करने के 4 आरोपी विजय पुत्र कल्याणमल सोनी निवासी बधाल, सागर पुत्र हनुमान गढ़वाल निवासी बधाल, मुकेश कुमार पुत्र रामेश्वर जाखड़ निवासी पुरोहित का बास व संजय पुत्र मदनलाल पारिक निवासी लाडखानी को गिरफ्तार किया गया, जिनको रिंगस एसीजीएम न्यायालय में पेश करने के बाद महाराष्ट्र ले जाकर पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा युवती को दस्तयाब करने के बाद 5 जनवरी 2022 को आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 370 व 343 में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की जानकारी के अनुसार नागपुर महाराष्ट्र के ही अन्नू खान व सलमान खान ने युवती का अपहरण कर जयपुर की दलाल गीता के सुपुर्द किया था। आरोपी सलमान खान, जिसका वास्तविक नाम करण साहू था, व लड़की को बेचने के दौरान उसका मंगेतर बनता था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दलाल गीता ने बधाल निवासी दलाल अशोक शर्मा को लड़की सुपुर्द कर दी, जिसके बाद उसने सीकर जिले के लाटखानी निवासी संजय पुत्र मदनलाल पारिक को 2,60,000 रुपए में लड़की का सौदा करके शादी करवा दी, जिसकी प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने आत्महत्या करने का प्रयास किया तो संजय के द्वारा लड़की को वापस दलाल अशोक शर्मा को सौंप दिया गया, जिसने फिर से अपना जाल बिछाते हुए रिंगस थाना क्षेत्र के गांव पुरोहित का वास में मुकेश कुमार पुत्र रामेश्वर जाखड़ को 5 लाख रुपए में लड़की का सौदा किया, जहां से पुलिस द्वारा लड़की को दस्तयाब किया गया। युवती द्वारा आरोपी मुकेश के मोबाइल से इंस्टाग्राम पर अपनी दोस्त को ऑडियो मैसेज डाला गया, जिसमें उसने अपने आप को बंधक बताकर अनेक प्रकार की यातनाएं सहने की बात बताई, जिस पर महाराष्ट्र पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर लड़की को दस्तयाब किया। दलाल अशोक शर्मा के घर रहते हुए युवती के साथ आरोपी विजय सोनी ने अशोक शर्मा की पत्नी से साठगांठ करके अनेक बार दुष्कर्म किया। इसके अलावा बधाल के ही कई लोगों ने लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। सब इंस्पेक्टर टीएम ढाकुलकर ने बताया कि दलाल अशोक शर्मा की पत्नी सहित बधाल के ही रहने वाले 4 अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। शहर में पुलिस थाना 5 पावली में 5/1/2022 को एक मुकदमा दाखिल है, जिसमें धाराएं लगी है 363, 366, 376, 2N, 370 तथा 343 और 506/34 IPC। ये एक लड़की थी जिसको नागपुर के 2 आरोपी थे, अनु खान और उसका हस्बैंड बनके जो बंदा रहता था वो सलमान करके नाम रखता था, सलमान खान, लेकिन उसका ओरिजिनल जो नाम था वो करण शाहू करके है। तो उन्होंने वो लड़की को बहला फुसला के वहाँ से इधर लेके आए। फिर यहाँ एक जयपुर में गीता नाम की एक दलाल है, उसको बेचा उसने। वो गीता ने फिर अशोक शर्मा नाम का एक जो दलाल है उसको वो लड़की को दिया। फिर उन्होंने कहीं तो एक सीकर के नज़दीक जो सदर थाना आता है उसके अंदर में एक संजय नाम के आरोपी को उसके पैसे लेके शादी करा दी। वहाँ कुछ दिन वो लड़की ज़बरदस्ती से रखी गई और फिर वहाँ से वो लड़की भाग गई, तो फिर से उनको पकड़ के अशोक शर्मा के पास ला के दिया संजय ने। फिर वहाँ से अशोक शर्मा के घर गांव बदाल में वो लड़की के साथ बहुत अत्याचार हुए। वहाँ पे अलग अलग लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती जबरी संभोग किया, जिसमें कई बदाल के आरोपी शामिल थे, तथा फिर अशोक शर्मा ने वो लड़की की फिर से एक बार शादी जो है
गांव ये रिंगत थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव में मुकेश नाम के लड़के से पैसों में कर दी, और वहां से फिर वो लड़की ने हमें इंस्टाग्राम पे एक मैसेज डाला था वो मुकेश के मोबाइल से उसके दोस्त को कि ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पे बंदी बनाया है और इस तरह मेरे से जाती होती है। तो फिर उस तरह पुलिस में पहले गुमशुदा की रिपोर्ट दाखिल हो गई थी, वहाँ से फिर पुलिस आई, हमने यहाँ से लड़की को छुड़ाया, वापस नागपुर लेके गए, वहाँ पे फिर मुकदमा 5/1/2022 को दाखिल हुआ ये, और अभी आज यहाँ पे 4 आरोपी हमने अरेस्ट करके नागपुर लेके जाने वाले। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 की नदी पुलिया पर क्षतिग्रस्त हाईवे पर अनियंत्रित होकर गिरे स्कूटी सवार को गंभीर हालत में जेडी हॉस्पिटल से जयपुर रेफर किया गया। हेड कांस्टेबल कैलाशचंद गुर्जर ने बताया कि सिमानला जागीर की ढाणी लाखाजी वाली निवासी 65 वर्षीय अर्जुन लाल पुत्र रामेश्वर योगी स्कूटी पर सवार होकर रिंगस से सिमानला जागीर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान टूटे हुए हाईवे पर चलने के दौरान स्कूटी अनियंत्रित हो गई और अर्जुन लाल के गंभीर चोटें लगी, जिसको आसपास के लोगों द्वारा जेडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। होटल रघु पैलेस से लेकर सिमानला जागीर मोड़ तक एनएचआई के द्वारा 1.5 माह पहले सड़क दुरुस्तीकरण के नाम पर हाईवे को तोड़ा गया था, लेकिन आज तक सड़क को नहीं सुधारा गया, जिसकी वजह से आए दिन वाहन लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। सालों बाद 500 मृतकों को मुक्ति मिली। शहर के कुछ युवाओं और सामाजिक संस्थाओं ने इसका बीड़ा उठाया है। शहर के लाल पहाड़ी मुक्ति धाम में 25 साल से अस्थि विसर्जन का इंतजार कर रही थी। हरिद्वार में आज इन्हें तर्पण कर दिया है। इन अस्थियों को विधि विधान से हरिद्वार में प्रवाहित कर दिया है। नेकी के दीवार के देवकी नंदन और सीएम मनीष अग्रवाल ने बताया कि शहर के लाल पहाड़ी मुक्ति धाम में 25 साल के दौरान लगभग 500 से ज्यादा मृतकों की अस्थियां विसर्जन नहीं होने के कारण एकत्रित की जा रही थी। मुक्ति धाम समिति का तर्पण कराने की सोच रही थी। लाल पहाड़ी मुक्ति धाम के महंत आनंदगिरी महाराज की प्रेरणा से लंबे समय से रखी अस्थियों को समिति सदस्य अस्थियां हरिद्वार लेकर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना के साथ प्रवाहित किया। लाल पहाड़ी मुक्ति धाम के महंत आनंदगिरी महाराज ने बताया कि मुक्ति धाम में करीब 25 सालों से मृतकों की अस्थियां पड़ी हुई थी। आनंदगिरी महाराज ने बताया कि पिछले 25 सालों में मुक्ति धाम में ऐसे दाह संस्कार हुए जिनकी अस्थियां नहीं ले जाई गई। कुछ लावारिश लाशें थी जिनका सामाजिक संगठनों द्वारा दाह संस्कार किया गया। इसी तरह से बहुत से ऐसे भी लोग थे जो यहाँ पर दाह संस्कार तो कर गए लेकिन अस्थियां नहीं लेकर गए। ये अस्थियां 25 सालों से एकत्रित होती रही। आनंदगिरी महाराज ने बताया कि मुक्तिधाम में दाह संस्कार के बाद अस्थियां एकत्रित नहीं होती तो मुक्तिधाम समिति की ओर से उनकी अस्थियों को एकत्रित करवाया जाता था। ऐसी सभी अस्थियों को एकत्रित कर एक स्थान पर रख दिया गया। गरीब लोग भी अस्थियां विसर्जन नहीं कर सकते। वहीं बहुत से ऐसे समाज है जो दाह संस्कार तो कर गए लेकिन अस्थियां एकत्रित कर लेने नहीं पहुंचे। पिछले 25 सालों में 500 से अधिक लोगों की अस्थियां एकत्रित हो गई। अब उन्हें मुक्ति देना भी जरूरी था। इस संबंध में कई सामाजिक संगठनों से बात की गई। अब कुछ संगठन तैयार हुए तो सभी 500 लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। काफी अस्थियां एकत्रित हो जाने पर संस्था ने उनका विसर्जन कराने का निर्णय लिया, जिससे मृतकों की आत्मा को शांति मिल सके। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार तीसरे दिन सोरणी कर मृतक की अस्थियों का संचय कर गंगा नदी में अस्थि विसर्जन किया जाता है, इससे मोक्ष मिलता है। कोरोना काल की भी 100 से अधिक अस्थियां मुक्ति धाम के महंत आनंदगिरी महाराज और देवकी नंदन कुमावत ने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी लाल पहाड़ी दाह संस्कार किया लेकिन अस्थियां लेने के लिए नहीं आए। महाराज ने बताया कि कोरोना काल में तो बहुत से परिवार ऐसे थे जो दाह संस्कार के बाद कभी आकर भी यहां नहीं देखा। कोरोना काल में पिछले 2 साल में 100 से अधिक दाह संस्कार ऐसे हुए जिनकी अस्थियां एकत्रित करने और लेने के लिए कोई नहीं आया। हमने ही यहाँ पर अस्थियों को एकत्रित करवाया और अब उन्हें विसर्जन करवाया है। एक धार्मिक कर्म है। धर्म के अनुसार किसी भी मृत आत्मा को मुक्ति आवश्यक होती है। समिति की कई बैठकों में इन अस्थियों को विसर्जित कराने का निर्णय लिया गया लेकिन किसी व्यक्ति के तैयार नहीं होने के कारण से ये काम नहीं हो सका। समिति के अध्यक्ष सीएम मनीष अग्रवाल ने इसको लेकर शहर के कई स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों से बात की। तब नेकी की दीवार के देवकी नंदन कुमावत और रीको के आचार्य विवेक आनंद दादीज ने इसका जिम्मा लिया। देवकी नंदन कुमावत के नेतृत्व में युवा सोमवार को पूजा अर्चना के बाद इन अस्थियों को लेकर ट्रक में हरिद्वार रवाना हुए थे। आज मंगलवार को शास्त्र सम्मत तरीके से तर्पण किया गया है। नेकी की दीवार के देवकी नंदन कुमावत ने बताया कि 100 कट्टों में मृतकों की अस्थियां और भस्म हरिद्वार लेकर
पहुंचे हैं। 500 से ज्यादा मृतकों की अस्थियों और उनकी भस्म को हरिद्वार में गंगा घाट पर प्रवाहित किया गया है। आचार्य विवेकानंद आदिश द्वारा शास्त्र सम्मत रूप से सर्व समाज के मृतकों की अस्थियों को पूजा अर्चना की और ट्रक को हरिद्वार के लिए रवाना किया। अस्थियों को लेकर देवकी नंदन कुमावत दधिमती ज्योतिष संस्थान के विवेक शास्त्री पंडित जुगल किशोर पाठक अजय शर्मा हरिद्वार गए हैं। पिछले 25 साल से सारी अस्थियां यहाँ पर पड़ी हुई है। एक दिन मनीष अग्रवाल ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था और इन्होंने ये कहा कि इस तरह का कोई कार्य अगर हो सकता है कि इन अस्थियों का गंगा हरिद्वार में जाकर विसर्जन हो जाए तो हम लोग तैयार हो गए। फिर मेरे साथ ही विवेक जी शास्त्री जी हैं, दोनों ही हम लोगों ने बीड़ा उठाया और आज हम लोग यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे। सारी अस्थियां हम लोगों ने कलेक्ट करवाई है पिछले 7-8 दिन में। कल सुबह इनका हरिद्वार में पंडितों के द्वारा, क्योंकि यहाँ के पंडित वहाँ नहीं कार्य कर सकते तो वहाँ के जो स्पेशल पंडित हैं उनको लिया गया है और उनके द्वारा ही अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि चिकित्सा सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए चिकित्सा अधिकारी फील्ड विजिट पर फोकस करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर फील्ड में काम कर रही आशा सहयोगिनी व एएनएम के फील्ड के कार्यों के वेरिफिकेशन के लिए आंकड़ों का मिलान किया जाए। जिला कलेक्टर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की बैठक में चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम व द्वितीय डोज के लक्ष्य 100% पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य पूरे करने के लिए लाइन लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नियमित टीकाकरण अभियान के लिए बीसीएमओ व सेक्टर प्रभारियों को लाइन लिस्ट के अनुसार टीकाकरण में पिछड़ रहे गांव में जाकर 100 घरों में फील्ड विजिट करने तथा टीकाकरण से छूटे व वंचित रहे बच्चों तथा टीकाकृत बच्चों की लाइन लिस्ट का वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय योजना व जेएसवाई योजना में प्रथम व द्वितीय किश्त की पेंडेंसी कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक अनुसार पेंडिंग लिस्ट के साथ राजकीय संस्थान जहां पर अधिक प्रकरण पेंडिंग है उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कायाकल्प कार्यक्रम व लक्ष्य कार्यक्रम के लिए जिला स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने होम डिलीवरी के आंकड़ों पर चर्चा करते हुए सभी बीसीएमओ को ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर होम डिलीवरी अधिक है वहां पर चिकित्सा अधिकारियों को विजिट करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शेष रहे राजकीय चिकित्सा संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भवरलाल सरवा ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की बताया। बैठक में उप चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवकरण गुरावा, आरसीएचओ डॉ. विश्वास मथुरिया, बीसीएमओ डॉ. विकास सोनी, डॉ. हरकेश, डॉ. मनीष तिवारी, डॉ. ओम प्रकाश, जिला कार्यक्रम प्रबंधक आशीष खंडेल व संग्राम सिंह, जिला लेखा प्रबंधक सुरेंद्र बलाला सहित बीपीएम मौजूद रहे। खामियां भी थी और कुछ जगहों पे अच्छा काम भी हुआ है, तो हमारी कोशिश यही है कि जिन जगहों पे सुधार की आवश्यकता है, गुंजाइश है, उनमें कोशिश करके और सुधार किया। सर, एक होम डिलीवरी हुई है, वहाँ सभी स्थानों पर उनका कारण पता करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि किस कारण से होम डिलीवरी हुई। क्या वो ANC के नेटवर्क में नहीं आ पाई थी, वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई, या अन्य कोई कारण रहे, या रास्ते में डिलीवरी हो गई, तो जो कारण जिस जगह के हैं उन कारणों को संकलित करते हुए उनका विश्लेषण करके उन पर कार्रवाई करें। चूरू जिले के तारानगर के जिला परिषद के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद सदस्य त्रिलोक राम कसवा ने बताया कि तारानगर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में जो जल जीवन मिशन के तहत जिन गांवों में घर घर नल कनेक्शन दिए जाने थे उन गांवों में काफी घरों को कनेक्शन से वंचित कर रखा है। जिन घरों में कनेक्शन दिए गए उन घरों में पानी नहीं आ रहा है। जब जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को बताते हैं तो जलदाय विभाग के अधिकारी का जवाब आता है कि पीछे से आ रही खुली नहर का पानी चोरी हो रहा है। गांव के लोगों को टैंकरों से पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। बूटावास गांव में 2 जलाशय होने के बावजूद भी आधे घरों में पानी नहीं जा रहा है। चुनाराम की ढाणी में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। करणपुरा, बालिया, गोडास, ढाणी, आशानंद सिंहपुरा, ढाणी, बाबलिन आदि गांवों में भी पानी नहीं जा रहा है। कसवा ने बताया कि जिला परिषद सदस्यों को जिले में टोल टैक्स से मुक्त करवाया जाए। जिला परिषद सदस्य विमला कालवा ने बताया कि सरदार शहर से तारानगर के बीच बूचावास के पास 7 मील से चुनाराम की ढाणी की तरफ जाने वाली 3 किलोमीटर सड़क की मरम्मत के बजाय पुनः बनवाने का कार्य करें। यह सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, गिरधारी लाल पारिक, राजकुमार सियाग व नौरंग राय सिलू आदि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।